या नाइट का आयोजन किया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में वी अवर गेस्ट इवेंट कंपनी के द्वारा शास्त्रीपुरम के अमल गार्डन में डांडिया नाइट का आयोजन किया। डांडिया नाइट में शास्त्रीपुरम आवास विकास पश्चिमपुरी कॉलोनी की महिलाओं ने जमकर डांडिया किया। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान साज सज्जा के कई स्टॉल लगाए गए, साथ ही डांडिया नाइट में खान पान के साथ अन्य स्टॉल भी देखने को मिले। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी की। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। अपना परिचय और फिर प्रोग्राम के बारे में। मैं आयुषी कुल से, बीओजी टीम से। सो बेसिकली वी आर हियर टू गिव द वाइब ऑफ द गुजरात, ऑल द कलरफुल डेकोरेशन, लाइव डीजे, म्यूजिक, फूडिंग स्टॉल्स, शॉपिंग स्टॉल्स। सो वी आर हियर टू गिव द गुजरात वाइब्स, नवरात्रि, डांडिया नाइट, गरबा नाइट। वी आर हियर फॉर नवरात्रि बीच 2.0। सो लेट्स सी। तो इस इवेंट में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि पिछले साल जो इवेंट हुआ था उससे कई ज़्यादा गुना इस साल लग रहा है, क्योंकि ये जो क्राउड आप देख रहे हो, ये लोग इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, इट इज सो मच क्रेजी। और हम लोग पिछले 6 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, एंड लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और कोशिश यही रही कि नेक्स्ट ईयर जो हम करें वो ही बहुत ज़्यादा अच्छा करें और कुछ नई चीज़ आपके पास लेकर आ सके। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दिशा है। मैं हमारी इवेंट का भी अवर गेस्ट है उसकी तरफ से। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हम पिछले 2 साल से नवरात्रि बीच 2.0 जो इस बार हमारा प्रोग्राम हो रहा है, लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया था, ये सेकंड टाइम है जो हमने आगरा में गरबा, जो हमारा एक तरीके का उत्सव मनाया जाता है, जो वैसे गुजरात का फेस्टिवल होता है, लेकिन हम लोगों ने सोचा क्यों ना पश्चिम से थोड़ा सा ऊपर आकर उत्तरी भारत में भी इसको मनाया जाए। और आप लोग देख ही रहे हैं, 2,500 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर भीड़ है। हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हम लोग बहुत खुश हैं। फिर आप सभी का हम लोगों को सहयोग चाहिए कि नेक्स्ट ईयर भी आप लोग यहाँ पर आए और खूब मजे से अपना फेस्टिवल मनाएं।